राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम। बहुत जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः अभिवादन करते हुए आइए एक ही छोटी सी फिल्म देखते हैं। उत्तर प्रदेश यानी देश की आध्यात्मिक विरासत को सहेजने वाला राज्य और भारत की आर्थिक व औद्योगिक प्रगति का प्रतीक, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल मार्गदर्शन लिख रहा है उत्तर प्रदेश के बुनियाद की एक नई गाथा। अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में आज किया जा रहा है रेल, सड़क, पेट्रोलियम, जल शक्ति और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण। इसमें रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं में शामिल हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा से न्यू रेवाड़ी के मध्य निर्मित विद्युतीकृत डबल लाइन सेक्शन। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर निर्मित इस सेक्शन के शुरू होने से भारी माल वहन क्षमता वाली फ्रेट ट्रेनों का तीव्र गति से हो सकेगा संचालन। इसके साथ ही आज मथुरा और पलवल के बीच नवनिर्मित चौथी रेल लाइन और गाजियाबाद में चिपियाना बुजुर्ग से दादरी के बीच नवनिर्मित चौथी रेल लाइन का भी किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पण। इन रेल खंडों की मल्टी ट्रैकिंग से क्षेत्र के दैनिक यात्रियों को होगा लाभ। इसके साथ ही आज दिखाई जा रही है DFC पर न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी के मध्य दो मालगाड़ियों के परिचालन को हरी झंडी। आज जिन सड़क परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है उनमें शामिल हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर अलीगढ़ कानपुर सेक्शन अलीगढ़ भदवास की फोर लेनिंग। इससे ताला नगरी अलीगढ़ एवं इत्र नगरी कन्नौज के उद्यमियों, निर्यातकों और कामगारों को मिलेगी दिल्ली तक सीधी रोड कनेक्टिविटी। राष्ट्रीय राजमार्ग 709A पर मेरठ से करनाल बॉर्डर तक वाया शामली सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण। इसके निर्माण से मेरठ और हरियाणा राज्य के बीच स्थापित होगा बेहतर सड़क संपर्क। राष्ट्रीय राजमार्ग 709AD पर शामली मुजफ्फरनगर सेक्शन की फोर लेनिंग। इससे हरिद्वार एवं चारधाम यात्रा के लिए आवागमन होगा सुगम। आज शुरू की जाने वाली सीवरेज सिस्टम की परियोजनाओं में शामिल है मथुरा सीवरेज योजना का पुनर्स्थापन व नवीनीकरण और STP एवं मुरादाबाद रामगंगा सीवरेज प्रणाली और STP फेज 1। इनसे मथुरा में यमुना एवं मुरादाबाद में रामगंगा में जल प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद। इसके साथ ही आज किया जा रहा है इंडियन ऑयल की टूंडला गौरिया पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन। इससे मथुरा और बरौनी रिफाइनरियां आपस में जुड़ेंगी। साथ ही कमला और STP फेज 1। इनसे मथुरा में यमुना एवं मुरादाबाद में रामगंगा में जल प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद। इसके साथ ही आज किया जा रहा है इंडियन ऑयल की टूंडला गौरिया पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन। इससे मथुरा और बरौनी रिफाइनरियां आपस में जुड़ेंगी। साथ ही कम लागत में हो सकेगा पेट्रोलियम उत्पादों का सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल परिवहन व वितरण। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का राष्ट्र को समर्पण। इससे औद्योगिक विकास को मिलेगी गति और आर्थिक उन्नति के साथ ही होगा रोजगार के अपार अवसरों का सृजन। इन परियोजनाओं से न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास को मिलेगी गति बल्कि विकसित और नए भारत का संकल्प भी होगा सिद्ध। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और उनसे सादर अनुरोध कि DFCC ट्रेन का फ्लैग ऑफ करके हम सब पे कृपा करें, सबको समर्पित करें हरी झंडी दिखाकर ये न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी की ये दो मालगाड़ियां। सक्सेसफुल
सादर सभी को स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस कालखंड से हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके अभिभावक हैं। आज अपने बीच मैं इस अपार जन समुदाय की ओर से आपसे बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करती हूँ, हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने, अभी तो सूरज उगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत माता की, भारत माता की, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, अन्य प्रतिनिधिगण और बुलंद के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका ये प्यार और ये विश्वास जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं आपके प्यार के लिए अभिभूत हूं और मैं आज देख रहा था इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें, और ये समय तो हमारे यहां परिवार में माताओं बहनों का सबसे व्यस्त समय होता है, रसोई का समय होता है, लेकिन सब छोड़ छाड़ करके इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने आए सभी माताओं बहनों को मेरा विशेष प्रणाम। बाईस तारीख को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन हुए और अब यहां जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है। आज पश्चिमी यूपी को विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट भी मिले हैं। ये प्रोजेक्ट रेल लाइन, हाईवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक शहर से जुड़े हुए हैं। आज यमुना और राम गंगा की स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। मैं बुलंदशहर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी मेरे परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र ने तो देश को कल्याण सिंह जी जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने राम काज और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वो जहां है
अयोध्या धाम को देखकर बहुत आनंदित हो रहे होंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि देश ने कल्याण सिंह जी और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया है, लेकिन अभी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण का, सच्चे सामाजिक न्याय का उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हमें अपनी गति और बढ़ानी है और जिसके लिए हमें मिलकर काम करना है। साथियों, अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है, सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ता है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। इसके लिए हमें खेत खलिहान से लेकर ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, उद्यम तक हर शक्ति को जगाना है। आज का यह आयोजन इसी दिशा में एक और कदम है, बड़ा कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया, जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही अगर कमजोर हो तो देश कैसे ताकतवर हो सकता था? आप मुझे बताइए, क्या देश ताकतवर हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश को पहले ताकतवर बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? और मैं तो यूपी का सांसद हूं और मेरी विशेष जिम्मेवारी है।
मेरे परिवारजनों, 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से यूपी में पुरानी चुनौतियों से निपटने के साथ ही आर्थिक विकास को नई गति दी है। आज का कार्यक्रम हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज भारत में दो बड़े डिफेंस कॉरिडोर पर काम चल रहा है, उनमें से एक यूपी में, पश्चिमी यूपी में बन रहा है। आज भारत में नेशनल हाईवे का तेजी से विकास हो रहा है, उसमें से अनेक पश्चिमी यूपी में बन रहे हैं। आज हम यूपी के हर हिस्से को आधुनिक एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहे हैं। भारत का पहला नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट पश्चिम यूपी में ही शुरू हुआ है। यूपी के कई शहर मेट्रो सुविधा से जुड़ रहे हैं। यूपी ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का हब बन रहा है और ये बात बहुत बड़ी है साथियों। आने वाली शताब्दियों तक इसका महत्व रहने वाला है जो आपके नसीब में आया है। जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो इस क्षेत्र को एक नई ताकत, नई उड़ान मिलने वाली है। साथियों, सरकार के प्रयासों से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश रोजगार देने वाले प्रमुख सेंटर में से एक बन रहा है। केंद्र सरकार देश में 4 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की तैयारी में है। ऐसे नए शहर जो दुनिया के श्रेष्ठ मैन्युफैक्चरिंग और निवेश स्थलों को टक्कर दे सके, इसमें से एक औद्योगिक स्मार्ट शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बना है। और आज मुझे इस महत्वपूर्ण टाउनशिप का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। यहां हर वो बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई है जो रोजमर्रा के जीवन के लिए, व्यापार, कारोबार, उद्योग के लिए चाहिए। अब ये शहर दुनिया भर के निवेशकों के लिए तैयार है। इसका लाभ यूपी के, विशेष रूप से पश्चिमी यूपी के हर छोटे, लघु और कुटीर उद्योग को भी होगा। इसके बहुत बड़े लाभार्थी हमारे किसान परिवार, हमारे खेत मजदूर भी होंगे। यहां कृषि आधारित उद्योगों के लिए नई संभावनाएं बनेगी। साथियों, आप भी जानते हैं कि पहले
खराब कनेक्टिविटी की वजह से किसान की पैदावार समय पर बाजार नहीं पहुंच पाती थी, किसानों को अधिक भाड़ा भी देना पड़ता था, गन्ना किसानों को कितनी परेशानी होती थी ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। किसानों की उपज को अगर विदेश एक्सपोर्ट करना होता था तो वो भी मुश्किल था। यूपी समंदर से बहुत दूर है, इसलिए उद्योगों के लिए जो गैस और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट चाहिए उन्हें भी ट्रकों में लाना पड़ता था। इन सारी चुनौतियों का हल नए एयरपोर्ट और नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में है। अब यूपी में बना सामान यूपी के किसानों के फल सब्जी और ज्यादा आसानी से विदेशी बाजार तक पहुंच पाएंगे। मेरे परिवारजनों, डबल इंजन सरकार का निरंतर प्रयास है कि गरीब और किसान का जीवन आसान हो। मैं योगी जी की सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने नए पेराई सत्र के लिए गन्ने का मूल्य और बढ़ा दिया है। गन्ना किसान हो, गेहूं और धान किसान हो, सभी किसानों को पहले अपनी ही उपज का पैसा पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन हमारी सरकार इस परिस्थिति से किसान को बाहर निकाल रही है। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है मंडी में अनाज बेचने पर किसान का पैसा सीधे किसान के बैंक अकाउंट में जाना चाहिए। डबल इंजन सरकार ने गन्ना किसानों से जुड़ी समस्याओं को भी लगातार कम करने का प्रयास किया है। गन्ना किसानों की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे जाएं, इसके लिए हमारी सरकार इथेनॉल बनाने पर बल दे रही है। इस वजह से किसानों को हजारों करोड़ रुपए अतिरिक्त मिले हैं। साथियों, किसानों का हित हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज सरकार हर किसान परिवार के इर्द गिर्द एक पूरा सुरक्षा कवच बना रही है। किसानों को सस्ती खाद मिलती रहे, इसके लिए बीते वर्षों में हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दुनिया में आज यूरिया की जो बोरी 3000 रुपए तक की मिल रही है, भारत के किसानों को 300 रुपए से भी कम में मिल रही है। आपने ठीक से सुना क्या? ये यूरिया की बोरी दुनिया में 3000 रुपए तक में बिकती है, जबकि भारत सरकार आपको वो बोरी 300 से भी कम कीमत में देती है। अब देश ने और एक महत्वपूर्ण काम किया है, नैनो यूरिया बनाया है। इसे एक बोरी खाद की शक्ति एक बोतल में समा गई है। इससे भी किसानों को लागत कम होगी, बचत होगी। सरकार ने
करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के 3.25 लाख करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए हैं। मेरे परिवारजनों, कृषि और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में हमारे किसानों का योगदान हमेशा से अभूतपूर्व रहा है। हमारी सरकार सहकारिता के दायरे को भी लगातार बढ़ा रही है। पैक्स हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, किसान उत्पाद संघ एफपीओ हो, इनको गांव गांव तक पहुंचाया जा रहा है। ये छोटे किसानों को बाजार की बड़ी ताकत बन रहा है। खरीद बिक्री हो, लोन हो, कोई फूड प्रोसेसिंग उद्योग हो, एक्सपोर्ट हो, ऐसे हर काम के लिए किसानों की सहकारी संस्थानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये छोटे से छोटे किसान को भी सशक्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या भंडारण की सुविधा के अभाव की भी रही है। हमारी सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के निर्माण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत पूरे देश में कोल्ड स्टोरेज का भंडारण का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। साथियों, हमारा प्रयास है कि खेती किसानी को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए। इसमें भी गांव में हमारी नारी शक्ति के माध्यम एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। इससे महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें ड्रोन दिए जा रहे हैं। भविष्य में ये नमो ड्रोन दीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती किसानी की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। साथियों, किसानों के लिए जितना हमारी सरकार ने काम किया है उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। बीते